हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाई पीसी सर पर। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको आईटी जेईई नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पर मिलते हैं केमिस्ट्री बाई पीसी सर पर। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोल कॉन्सेप्ट सिखाने चल रहे हैं, और बच्चों मोल कॉन्सेप्ट में कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। कोई फार्मूले मत याद करिए, नहीं तो सैकड़ों फार्मूले हो जाएंगे और अल्टीमेट आपको सब भूल जाएगा और क्वेश्चन एक भी साल में नहीं हो पाता है। ट्रिक से निकालेंगे क्वेश्चन के आंसर को, बट ट्रिक से ही सब मोल कॉन्सेप्ट कैसे होगा अभी हम, क्योंकि आपके पास कंपटीशन का एग्जाम है। आप जेईई एग्जाम देने जा रहे हो, नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट करना सीख लो। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे। जो टाइम मैनेजमेंट सीख लिया वही दुनिया पे राज करता है। कंपटीशन मतलब टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। चाय में आप बिस्कुट भिगो के खाते हैं, चाय में बिस्कुट भिगोइए और मुंह में डालिए। अगर पहले मुंह में डाल दिया निकाल के, तो फिर खाने का आनंद नहीं आएगा, और निकालने में थोड़ा लेट हो गया तो बिस्कुट टूट के चाय में गिर जाएगा, फिर बेकार हो जाएगा सब। तो ऐसे समय पर निकालना है कि खाने का आनंद भी आ जाए और चाय भी हमारा सेफ रहे, इसे बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। आइए सीखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, मोल का सबसे पहले इस्तेमाल किया था ओस्टवाल्ड ने। और आपको पता है, वो सब बातें मैं नहीं करूंगा जो आप जानते हैं कि 1 mole = 6.02 × 10³³, इसको अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये सब बातें आपको पता हैं। हम आपको सिखाने चल रहे हैं मोल कैसे डील करेंगे। सपोज करिए हमारे पास मोल है, ये मोल है, और मोल के तो भैया कई रिश्तेदार होते हैं, और रिश्तेदार तो बड़ा तनाव देते हैं। देखना, मोल है और मोल के रिश्तेदार है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, और इनका एक बड़ा खास रिश्तेदार है ग्राम वेट। लीजिए, और इनका एक और रिश्तेदार है वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम। देखिएगा, समझिएगा, एकदम कमर कस के लग जाओ। कोई फार्मूला याद नहीं करना है, और सिलेक्शन के लिए ना पढ़ो, रैंक के लिए पढ़ो। रैंक आनी चाहिए अच्छी, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। चैलेंज के साथ पढ़ो, डर के मत पढ़ो, क्योंकि उठती हुई लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, और हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। जलती हुई एक चिराग ने आधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा, मुझे जलने के लिए किनारों की दरकार नहीं होती। हौसले से पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा। रोना रोना बंद कर दो, अपने आप सिलेक्शन होगा। कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाओ बस। देखना, मोल है, मोल से हम अगर कुछ भी निकालेंगे तो ट्रिक समझो पहले। फार्मूला नहीं रटना है, सुबह 4 बजे उठ के हनुमान चालीसा की तरह रटना शुरू, जय हनुमान ज्ञान गुरुसागर। कोई भी हनुमान चालीसा की तरह नहीं याद करना है इसको, ये साइंस है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको ट्रिक से समझो। ये है एम, ये है एम। एम का मतलब है मोल, और मोल से कुछ भी निकालेंगे तो करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। वीडियो को पूरा वॉच करना, चैलेंज है तुम्हारा, कोई सवाल गलत नहीं होगा। देखो तो पहले सही, तुम समझते नहीं हो बात को। तो मोल से कुछ भी निकालोगे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन किसी चीज से मोल निकालोगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई गुणा, डिवाइड भाग। मोल क्या है? गुणा भाग है और कुछ नहीं है। मोल बस खाली मोल तोल है, गुणा भाग है। तो देखना, मोल से कुछ भी निकालो मल्टीप्लाई, किसी चीज से मोल निकालो तो डिवाइड। तो देखिए, अगर हम निकाल रहे हैं, मोल से निकाल रहे हैं ग्राम वेट, तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई। मोल से निकल रहा है तो मल्टीप्लाई किससे, मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक। लेकिन अगर ग्राम वेट से मोल निकाल रहे हो तो डिवाइड, डिवाइड किससे, मॉलिक्यूलर बेट से, ठीक। और अगर आप मोल से निकाल रहे हो मॉलिक्यूल, तो मोल से निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई किससे, 6.02 × 10³³ से। लेकिन अगर मॉलिक्यूल से आप निकाल रहे हो मोल, तो फिर डिवाइड किससे,
6.02 × 10³ से। अगर आप मोल से निकाल रहे हो वॉल्यूम ऑफ गैस, तो फिर मल्टीप्लाई किससे? 22.4 लीटर से। और अगर वॉल्यूम ऑफ गैस से निकाल रहे हो मोल, तो डिवाइड किससे? 22.4 लीटर से। लो भैया, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत क्या है? क्यों रटते हो फार्मूले? सब कुछ निकल गया। मोल से कुछ भी निकालो मल्टीप्लाई, और किसी चीज से मोल निकालो डिवाइड। अब बच्चों जरा एक बात ध्यान से सुनना, एक मोल कोई भी गैस हो एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, वो हमेशा 22.4 लीटर स्पेस लेती है। कोई भी गैस हो, एनी गैस, ठीक, वन मोल एनी गैस कहां पर? एसटीपी पर। तो कौन सी गैस हो? एनी गैस। एक मोल हाइड्रोजन हो, एक मोल मेथेन हो, एक मोल अमोनिया जी हो, एक मोल वाटर का वेपर हो, या भाई हजारों गैसें हैं, बहुत सारी गैसें, कोई भी गैस हो, एक मोल अगर है तो एसटीपी पर कितना स्थान घेरेगी? 22.4 लीटर। देखिएगा, तो मोल के कॉन्सेप्ट को, मोल कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए कोई फार्मूले नहीं याद करेंगे आप, ट्रिक से लगाएंगे। तो मोल का कोई भी क्वेश्चन लगाने के लिए कोई फार्मूला सुबह उठ के हनुमान चालीसा की तरह नहीं याद करेंगे, ट्रिक से लगाएंगे। सपोज करो उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया अगर कि नंबर ऑफ मोल इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया कितने मोल होंगे, तो बस वेट दिया हुआ है 4.25, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड करो, अमोनिया का कितना होता है 17, अगर इसको 16 मान लो तो ये तो सही हो गया 1/4, इतने मोल होंगे। मान लो उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया नंबर ऑफ मोल इन 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मोल निकाल लो, लीटर दिया है 5.6 अपन कितने डिवाइड करोगे 22.4 से, तो ये हो गया 5×24, तो ये हो गया कितना 0.25, इतने मोल होंगे, आंसर आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन हो चुटकियों में लगाओ फटाफट फार्मूले मत। और वीडियो को लाइक कौन करेगा, सब्सक्राइब कौन करेगा? वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।